हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद देव। स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल पर मैं देवेंद्र आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने अभी तक स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन बटन जरूर ऑन कर लेना, ताकि जब भी नर्सिंग, फार्मेसी और पैरामेडिकल से जुड़ी हुई कोई भी नई अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे BHU BSc नर्सिंग, जिपमेर BSc नर्सिंग और DU यूनिवर्सिटी से होने वाले BSc नर्सिंग के बारे में हम बात करने वाले हैं। इनके एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। अब आपके पास अंतिम मौका है, कल का डे और आपके पास बचा हुआ है। कल शाम 9:50 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद रात को 9:50 तक अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो कौन सी यूनिवर्सिटीज है और कौन कौन से का क्या प्रूफ है कि इनका लास्ट डेट कल ही है, ठीक है? तो देख लेना वीडियो एंड तक देखना। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करना और अपने सभी फ्रेंड्स में जरूर शेयर कर देना। यदि आप रेगुलर क्लास लेना चाहते हो RHS BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम और नीट के लिए भी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको हर तरह की क्लास डेली अवेलेबल होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की हो जाएगी जल्दी, है ना? तो इस वीडियो में हम बात करेंगे BHU BSc नर्सिंग और BHU BSc नर्सिंग, जिपमेर BSc नर्सिंग और DU के बारे में बात करने वाले। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब से एक नोटिफिकेशन आया था, कौन सा वाला नोटिफिकेशन NTA ने जारी किया था, 12 मार्च को एक नोटिफिकेशन जारी किया था NTA ने, जो आप सभी को पता होगा इसे, कि इसमें लिखा हुआ था कि कंडक्ट द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। इसमें लिखा हुआ था कि आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला था नीट का, वो कब होता, नीट का जो एग्जाम होता था वो 1 अगस्त को होने वाला था, लेकिन ड्यू टू कोविड की सिचुएशन को देखते हुए इसे आगे पोस्टपोन कर दिया गया था। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी लिखी हुई थी कि आपको BSc नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या देना होगा, नीट का एग्जाम देना होगा। अब वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी ने उसको फॉलो किया है, NTA ने सभी यूनिवर्सिटीज़ के पास इनविटेशन भेजा है कि आप हमारे नीट स्कोर का रिजल्ट का यूज कर सकते हो, बट वो किस किस ने माना है, वो नहीं माना, वो यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये नोटिफिकेशन निकला था, इसमें लिखा हुआ था कि रिजल्ट ऑफ नीट UG 2021 में भी यूटिलाइज बाय अदर एंटिटीज ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द इंडियन नर्सिंग काउंसिल, नर्सिंग कॉलेज, स्कूल जिपमेर फॉर काउंसलिंग एडमिशन टू रिलेवेंट कोर्स इंक्लूड द BSc नर्सिंग, BSc लाइफ साइंस इन अकॉर्डेंस विद दियर रूल्स एंड नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस। खुद के रूल रेगुलेशन और गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग वो एडमिशन ले सकते हैं नीट का रिजल्ट यूज करके। इसमें क्या लिखा था, मे बी यूटिलाइज, जरूरी नहीं था कि आप कंपलसरी नहीं था, मे बी यूटिलाइज इसमें लिखा हुआ था। बट इसको देखते हुए इसके बाद फिर जिपमेर ने एक नोटिफिकेशन रिलीज किया, उसके बाद जिपमेर के बाद BHU ने एक नोटिफिकेशन रिलीज किया। जैसे देखते हैं, जिपमेर ने एक नोटिफिकेशन रिलीज किया जिसमें क्या लिखा हुआ था कि आप जिपमेर BSc नर्सिंग में एडमिशन के लिए किसका यूज कर सकते हो, जिपमेर नीट एग्जाम का या नीट रिजल्ट का यूज कर पाओगे। एक मिनट, दोबारा से सर्च कर रहा हूँ मैं, आप देख सकते हो इसमें, जैसे आप जिपमेर के ऑफिशियल वेबसाइट पर आओगे तो यहाँ आपको नजर आएगा अनाउंसमेंट का ऑप्शन। क्या चीज़, अनाउंसमेंट का ऑप्शन आपको दिखेगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक मिनट, ठीक है? यहाँ आपको ये कॉर्नर पे दिखाई दे रहा होगा अनाउंसमेंट, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये रहा अनाउंसमेंट, ठीक है? अनाउंसमेंट पर अपन को जैसे ही क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ दिखेगा जिपमेर नीट, तो जिपमेर नीट पर क्लिक करते हैं तो 29 मार्च को एक नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था जो जिपमेर और नीट से BSc नर्सिंग से संबंधित था। नीट जिपमेर BSc नर्सिंग एंड अलाइड साइंस कोर्सेज एडमिशन फॉर एकेडमिक ईयर 2021। इसमें इस नोटिफिकेशन के बारे में फुल डिटेल से आपको बता चुका हूँ। ये नोटिफिकेशन हमें बताता है कि जिपमेर BSc नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए आपको कौन सा एग्जाम देना होगा, एंट्रेंस एग्जाम देना होगा जिपमेर के लिए। एक तो ये जिपमेर का ही हो गया। इसके अलावा आपके BHU ने नोटिफिकेशन रिलीज नहीं किया कोई, बस एक स्लाइड रिलीज की है जो आप देख सकते हो यहाँ पर, एडमिशन टू BSc नर्सिंग 2021 थ्रू द नीट UG। इस पर जैसे क्लिक करते हैं अपने पास ये पेज खुलकर आता है, इसके अलावा कोई अदर चीज़ नहीं आती। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट हु आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन इन BSc नर्सिंग कोर्सेज 2021 इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी शुड अप्लाई थ्रू UG नेट। तो इसमें लिखा हुआ है कि आप नीट के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। तो BSc नर्सिंग, BHU, जिपमेर के लिए आपको नीट का एग्जाम देना होगा। तो नीट की लास्ट डेट कितनी है, 10 अगस्त लास्ट है, तो 10 अगस्त से पहले आपको फॉर्म भर देना है, क्योंकि ये अंतिम मौका है आपके पास इस साल फॉर्म भरने का। नेक्स्ट ईयर आपको मौका मिलेगा फॉर्म भरने का, तो नेक्स्ट ईयर ट्राई करिएगा फिर। तो ये जिपमेर की बात हो गई। अब तीसरी यूनिवर्सिटी जो आपकी पड़ती है वो है DU। DU की हम बात करते हैं तो DU के लिए भी नोटिफिकेशन रिलीज किया था, कब, 3 अगस्त को ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ NTA की तरफ से, कि NTA ने
एनटीए से रिक्वेस्ट की डीयू ने कि हम जो भी नर्सिंग कॉलेज हैं डीयू के अंदर जो भी नर्सिंग कॉलेज आते हैं सभी में एडमिशन नीट के थ्रू करवाना चाहते हैं, तो एनटीए अपने नीट की जो एग्ज़ाम फॉर्म भरने की डेट है उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दे। तो डीयू ने उसको एक्सटेंड किया, सॉरी एनटीए ने उसे 4 दिन एक्सटेंड कर दिया और नई एग्जाम नई फॉर्म भरने की डेट नई बढ़ा दी गई है, 4 दिन बढ़ाई थी। तो फॉर्म भरने की डेट बढ़ाने से लेकर कितने दिन हो गए थे, 10 अगस्त को आप 10 अगस्त तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते थे। इसमें आपको 5 PM नज़र आ रहा है, लेकिन जो नया नोटिफिकेशन एनटीए ने जारी किया उसमें 9:50 तक आप अप्लाई कर सकते हो, 9:50 PM तक आप अप्लाई कर सकते हो नीट का फॉर्म। तो ये इस नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ, इसमें भी वही चीज़ लिखी हुई कि द रिजल्ट ऑफ नीट यूजी 2021 में बी यूटिलाइज बाई अदर एंटिटीज ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन अकॉर्डेंस विद देयर रेस्पेक्टिव एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और द नॉर्म्स एप्लीकेबल रेगुलेशन गाइडलाइंस। इसमें भी वही चीज़ लिखी हुई है कि अदर एंटिटीज जो सेंट्रल एंड गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की होती है, जैसे कि जिनमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, यदि कैंडिडेट उन क्राइटेरिया को फॉलो करता है तो इस नीट के रिजल्ट का यूज करके उन अदर एंट्रीज में भी एडमिशन दिया जा सकता है। द रिजल्ट डाटा विल बी आल्सो यूटिलाइज फॉर बीएससी नर्सिंग कोर्स इन अकॉर्डेंस दियर रेस्पेक्टिव एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और द नॉर्म्स एप्लीकेबल रेगुलेशन और गाइडलाइंस एंड रूल्स, यानी कि खुद के रेगुलेशन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका अपडेट था। आपको अपडेट कैसा लगा और अच्छा लगा हो लाइक जरूर कर देना। 11 अगस्त से आप अपने फॉर्म में करेक्शन करवा सकते हो, 11 अगस्त से आप फॉर्म में करेक्शन करवा सकते हो। और इसके अलावा कोई RHS के लिए कोई सेपरेट नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है कि RHS में भी नीट से होगा या नहीं होगा। तो आप 100% ये मानकर चलिए इस साल आपका RHS में नीट से नहीं होने वाला। एम्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम अलग से होगा, एम्स का एप्लीकेशन फॉर्म पहले आ चुके हैं, पंजाब में BSc नर्सिंग के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं, इसी के साथ जम्मू एंड कश्मीर में भी एप्लीकेशन फॉर्म अलग से आ चुके हैं, रिलीज हो चुके हैं। यदि आप अप्लाई करना चाहते हो इन सभी जगह से तो आप अप्लाई कर सकते हो। MP की बात करते हैं तो MP में PNST की एग्जाम डेट फिक्स हो चुकी है, PNST की जो एग्जाम डेट होने वाली है BSc नर्सिंग के लिए उसकी एग्जाम डेट पहले फिक्स कर चुका है कौन, MP PNST, तो आप वहाँ भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए या तैयारी करनी है आपको, तो इस YouTube पर जाकर आपको सर्च कर लेना है क्या चीज़। आप जैसे YouTube पर जाकर सर्च करोगे, क्या सर्च करना है आपको, स्टडी विद देव जाकर आप सर्च कर लेना, आपको हर चीज़ वहाँ मिल जाएगी। मतलब पूरी तैयारी आपकी RHS नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की पूरी तैयारी आपको स्टडी विद देव यूट्यूब नाम की जो चैनल है उस पर आपकी पूरी तैयारी करवाई जा रही है। इसी तरह आपसे सर्च करना है, जैसे आप सर्च करोगे आपको यहाँ देख लो ये प्राइमरी क्लास अभी भी चल रही है। आप अगर आप नहीं तो आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम भी प्राइमरी क्लास चल रही है, फिजिक्स की क्लास है, आप यहाँ से इसको देख सकते हो। इसके अलावा सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। यहाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो साथ में बेल आइकन बटन आता है उसको ओपन कर लेना, और आपको यहाँ जाकर प्लेलिस्ट पर जाकर देखोगे आप तो आपको यहाँ फिजिक्स की अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें सारी क्लासें एक से लेकर पूरी जितनी भी क्लासें हैं सारी क्लासें आपको यहाँ देखने को मिलेगी। ये वाली है इसमें देख सकते हो एक से जितनी भी क्लासें मैंने आज तक करवा दी फिजिक्स की, बहुत ही ज़बरदस्त क्लासें हैं आपके लिए, क्वेश्चन भी करवाए, सब कुछ आपको यहाँ अवेलेबल हैं, तो आप जाकर ज़रूर इसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अगर आपको चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर ऑन कर लेना। धन्यवाद।